पहली बार में सांसद संसदीय चुनाव के माध्यम से देश का पीएम का चुनाव हो रहा है। ये अप्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति का चुनाव हो रहा है। केजरीवाल चोर जैसा मुंह छुपा के चल रहा है, मालीवाल को लेके साइड में क्या किया नहीं किया ये भविष्य के गर्व में है। जवाब देखना शुरू कर दिए आवाज डेली हरजित टीवी और मैं प्रदीप पाठक हजारीबाग ब्यूरो आपके साथ आज हजारीबाग के झील में त्रिमूर्ति चौक से हैं हम। और आपको बता दें कि यहाँ त्रिमूर्ति चौक में चुनाव के संबंधित हम चर्चा करेंगे लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे कि हजारीबाग का क्या मूड है और क्या लोग कहते हैं चुनाव पर उसको जानेंगे। मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि सांसद कैसा होना चाहिए। पहले आप चैनल के माध्यम से मैं हजारीबाग की सभी जनताओं से अनुरोध करूंगा कि वे सभी 20 तारीख को अपने मतदान का उपयोग करें। अपने मतदान के द्वारा वो एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें जो उनके 5 साल उनके साथ हो, उनके हर सुख दुख में और उनके हर आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए काम करें। वो सांसद हमारा शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करें। धन्यवाद। क्या परिचय सुजीत मिश्रा हजारीबाग। हम और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ और अपने विचार। हजारीबाग के सांसद कैसा हो और सांसद में क्या गुण होना चाहिए? चुनाव का महापर्व चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष जनता के लिए काम करे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतलब जाति विशेष या फिर जात पात के मुद्दे को लेके सबको सामान्य मतलब जो होता है तो क्या बोलते हैं, सबको एक नज़र से देखना, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए और डेवलपमेंट के आधार पे ही चुनाव होना चाहिए और वोट देना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, वोट तो अपना मत है, वो तो देगा, वो तो छुपा हुआ रहता है कि उसको देना है क्या है नहीं है, वो तो बताता नहीं। कोई क्या परिचय? मेरा इंतजार नाम सांसद कैसा होना चाहिए, क्या देखते हैं? हजारीबाग में सांसद संसदीय चुनाव के माध्यम से देश का पीएम का चुनाव हो रहा है। ये अप्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति का चुनाव हो रहा है। तो हजारीबाग क्षेत्र से वो आदमी सांसद बनना चाहिए जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल रखकर के हजारीबाग का विकास कर सकता है। बिना केंद्रीय नेतृत्व के तालमेल के साथ स्थानीय विकास नहीं हो सकता है। एक कलेक्टिव लीडरशिप होता है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं सांसद के माध्यम से। सांसद अपनी योजनाओं का ये नहीं लाभ दे सकते हैं, केंद्रीय योजनाओं का लाभ संसदीय क्षेत्र में सांसद के माध्यम से होता है। सर, ये चुनाव जो है जानना चाह रहे हैं हजारीबाग में कैसा सांसद चाहिए आपको? हजारीबाग में बिल्कुल क्या चाहिए गुण उसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा का सांसद होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं का लाभ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सांसद के द्वारा ही मिल सकता है। नहीं, चुनाव हो रही पूरा गहमागहमी, कांग्रेस अपनी पक्ष रख रही है, बीजेपी में आप हैं, क्या कहना चाहेंगे कैसा सांसद हजारीबाग में हो? सवाल ये चुनाव कोई गहमागहमी नहीं है, चुनाव निश्चित तौर पर 5 साल पर आता है, चुनाव में जनता वोट करती है। इस बार भी जो है जनता वोटिंग कर रही है और विकास हो या भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर लगातार मुहर लगा रही है। तो हमारे मित्र लोग कह रहे थे केवल जो है सो मंदिर मस्जिद कर करके वोट ले रहे हैं, ऐसे मित्र को आपके चैनल के माध्यम से सरकार देना चाहता हूँ। मंदिर मस्जिद करने का काम ये कांग्रेस का, कांग्रेस का इसलिए है पूरे संसार में कहीं भी जो है अलग संप्रदाय के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों ने जो है सो मुसलमानों के लिए अलग से जो है मुल्ला पैदा करने के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर रखे हैं,
हिंदुओं के लिए गीता और रामायण की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था कर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जो है कहीं भी किसी भी संप्रदाय का जो है मस्जिद हो या गिरजाघर हो तोड़ करके कहीं मंदिर नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान ये है जहाँ सैकड़ों मंदिरों को तोड़ करके उसी स्थान पे मस्जिद बनाया गया है और उस पर कांग्रेसियों ने जो है मुहर लगाने का काम किया है उसको सुरक्षित रखने का कैसे है हो उसको जो है हजारीबाग के जो काम हुए उस पर हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ दो उम्मीदवार हैं। आप जहाँ खड़े हैं सड़कों की चकाचक देख लीजिए और हजारीबाग विधानसभा में घूम के सड़कों को देख लीजिए। बगल में हमारे जेपी भाई भी हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, उनके यहाँ सड़कों को देख लीजिए। मैं जाता हूँ विष्णु भाई तो समझ में आ जाएगा कि विकास यहाँ हुआ है कि विकास वहाँ हुआ है। और तो और है, अभी तो भाजपा का सरकार पिछले 10 साल से चल रहा है। 15 साल पहले कांग्रेस की सरकारें थी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई सड़क नहीं था, स्कूल नहीं था, बिजली नहीं था, कहीं भवन नहीं था, तो मात्र एक एम्स था। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो आज 16 एम्स देख रहे हैं। 600 के आसपास मेडिकल कॉलेज चले गए, हम 250 में लटके हुए थे। और इस महापर्व में सांसद कैसा होना चाहिए, देश का निर्माण की बात कर रहे हैं, वो सांसद जाके आप बात को रखेंगे और उसी से डेवलपमेंट और से काम होंगे। हजारीबाग में कौन सा ऐसा काम टूटा हुआ है प्राथमिकता देकर के आगे सांसद को करना चाहिए, क्या होना चाहिए सांसद का, ये आपको जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हजारीबाग के लोगों के बीच ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक सज्जन कह रहे थे कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार थी, आदरणीय हमारे जयंत सिन्हा जी यहाँ सांसद हुआ करते थे और बहुत विकास कर दिए है, ऐसा भी बोल रहे थे। अगर बहुत विकास कर दिए तो हमको लगता है कि भाजपा को उनका टिकट नहीं काटना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर है सो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट का जो है सो शिलान्यास हुआ, 10 साल में ठगते रहे कि आज एयरपोर्ट बनेगा, आज बनेगा, आज बनेगा, लेकिन बन नहीं पाया। उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि रेलवे को लाया गया है, रेलवे में मात्र पैसेंजर ट्रेन के नाम पर 1-2 ट्रेन चल रहा है और बाकी केवल जो है यहाँ के साधन संसाधन को लूटने का काम किया जा रहा है, कोयला लूटने का काम किया जा रहा है। उसके बाद हजारीबाग में जो मेडिकल कॉलेज लाया गया, आप देखेंगे कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर तो लगाए गए कि भाई भाजपा के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज लाया गया, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है हजारीबाग की जनता के लिए कि जो पिछले सदर हॉस्पिटल की जो स्थिति थी उससे भी बदतर आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। आज आप डॉक्टर नहीं मिलेंगे वहाँ पर, दवाइयों की स्थिति यही है और लगातार हम लोग आपके माध्यम से, आपको भी ये पता होगा कि हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सांसद हम लोगों का ऐसा होना चाहिए जो जन सरोकार से केजरीवाल चोर जैसा मुंह छुपा के चल रहा है, मालीवाल को लेके साइड में क्या किया नहीं किया ये भविष्य के गर्व में है, जवाब देते नहीं बन रहा है। आज नोटों का दिल्ली में 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 दि